नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। टमाटर किसानों की परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। अभी के समय पर भी, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी, टमाटर के जो भाव हैं दिल्ली मार्केट पर यदि हम देखें तो बहुत ही कम है, और इस भाव पर किसानों का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। जो लागत किसानों ने लगाई थी वह भी पूरी अभी नहीं हो पा रही है। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 15 दिनों पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभी के समय पर दिल्ली मार्केट पर कहाँ कहाँ का टमाटर आ रहा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह है कि टमाटर सबसे ज़्यादा 80% के लगभग टमाटर लाडवा का आ रहा है, और यह जो टमाटर ये देसी टमाटर है। और इसमें खास बात यह है कि यह अधिकतर टमाटर जो है लगभग 50 से 60% टमाटर इस पर क्या है, वो तारबांस के बिना वाला है, यानी कि नीचे है, फ्लैट ज़मीन पर है, और तारबांस पर टमाटर जो है वो बहुत ही कम है। तो यह जो टमाटर है वो कितना चलेगा, कैसा चलेगा, कब तक चलेगा, ये हम आगे इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखें तो दूसरा टमाटर इसमें आ रहा है अमरोहा का। अमरोहा का नया टमाटर है और हाइब्रिड टमाटर है। यह भी अच्छी कंडीशन पर है मार्केट पर, इसकी थोड़ी सी कंडीशन अभी ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो झिरका का टमाटर है, वीरांग टमाटर जो आ रहा था वो। दूसरा पानीपत और सोनीपत का टमाटर है। झिरका, पानीपत और सोनीपत का जो टमाटर है वो अधिकतर बिना तारबांस पर है, यानी कि बिना स्टेकिंग पर है। तो यह जो टमाटर है ये जो है बहुत ही कम चलने वाला है, और अभी के समय पर भी ये काफ़ी कम हो चुका है। इसकी जो क्वालिटी है वो तो खैर बहुत ही लो हो चुकी है। ये हमने अभी समझा है कि दिल्ली मार्केट पर क्या स्थिति है टमाटर की, कहाँ का टमाटर कितना चल रहा है और इसकी क्या स्थिति है। अगर हम बात करें दिल्ली के अलावा तो उस पर साउथ का टमाटर जो है माल निकल रहा है, मगर इतना भी नहीं निकल रहा है कि वहीं दूसरी जगह वो कवर कर सके। ठीक है, माल जो निकल रहा है वहीं के वहीं वो कवर हो रहा है, माल ज़्यादा नहीं है। नासिक की हम बात करें तो नासिक, महाराष्ट्र पर भी टमाटर इतना निकल रहा है कि जितना वो वहीं के लिए पर्याप्त हो। एमपी और छत्तीसगढ़ की भी यही कंडीशन है, एक तो माल कम निकल रहा है और जो निकल रहा है तो वहीं के लिए वो पर्याप्त है, लोकल मंडियों पर ही सेल हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा है वो। ठीक है, तो ये हमने समझा कि अभी के समय पर पूरे हिंदुस्तान में जो मेन जगह है, ठीक है, जहाँ से टमाटर अभी निकलता है और सारे हिंदुस्तान को कवर करता है, वो स्थिति ऐसी है कि जहाँ का माल जो है वहीं निकल पा रहा है, लेकिन सिर्फ दिल्ली मार्केट पर और दिल्ली के आसपास के जो एरिए हैं वहाँ पर जो टमाटर है वह पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और मंडी में जितनी डिमांड है उससे वो ज़्यादा है। यही कारण है कि टमाटर जो है दिल्ली मार्केट पर जो है रेट इसके कम है। अब कितने रेट हैं, क्या है, वो हम इस वीडियो पर अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली मार्केट पर यदि हम देखें तो लाडवा का जो टमाटर है उसकी जो कंडीशन है वह 200 रुपये से लेकर 350 रुपये अधिकतम तक है। ठीक है, अमरोहा का जो टमाटर है वह जो है लगभग 250 रुपये से लेकर 350 रुपये तक की कंडीशन है हाइब्रिड की, जो कि माल अच्छा है उसका। ठीक है, झिरका और पानीपत की जो कंडीशन है 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की कंडीशन है दिल्ली मार्केट पर अभी के समय पर। अभी आगे कैसे होने वाले हैं रेट, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये हम साउथ की बात करें तो साउथ में बढ़िया रेट है। साउथ में लगभग 600 रुपये से लेकर 900 रुपये तक के कैरेट 25 किलो के अभी बिक रहा है। नासिक की हम बात करें तो नासिक पर भी 400 रुपये से ले टमाटर की कंडीशन हिसाब से 600 रुपये कैरेट तक टमाटर बिक रहा है, जैसी क्वालिटी वैसा टमाटर। MP और छत्तीसगढ़ की स्थिति है 500 रुपये से लेकर 700 रुपये तक, अच्छे टमाटर की हम बात कर रहे हैं। अगर क्वालिटी ख़राब है तो यहाँ पर भी 300 रुपये कैरेट भी टमाटर बिक रहा है MP और छत्तीसगढ़ में। कंडीशन बढ़िया है तो लगभग 500 रुपये हम मान के चल सकते हैं, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये, जैसी कंडीशन हो टमाटर की। तो ये हमने अभी समझा कि अभी पूरे हिंदुस्तान पर टमाटर के भाव की क्या स्थिति है। अब हम ये समझते हैं इस पर, जो कि आपकी सबसे विशेष बात आपके लिए, कि भाई टमाटर अभी के समय पर जो रेट तो ठीक है, लेकिन आने वाले 15 दिनों पर टमाटर के क्या भाव हो सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दो स्थिति जिम्मेदार होती हैं, पहली है वर्षा, ठीक है, और दूसरा है तापमान। दो कंडीशन है। अब दो कंडीशन कैसी हैं, एक स्थिति यह है कि तापमान ज़्यादा होने के कारण, बारिश ना होने के कारण क्या हो रहा है कि जो पुराना टमाटर है, ठीक है, वो पुराना टमाटर खराब हो रहा है, जल्दी पक रहा है, माल ज़्यादा निकल रहा है और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है, छोटे साइज में पक जा रहा है, उसके कारण रेट हमारे जो है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय पर यदि बारिश नहीं होती है तो जो पुराने टमाटर है, ठीक है, उसके जो भाव है वो
और कम होंगे क्योंकि क्वालिटी उसकी और लो होगी और ये जल्दी समाप्त भी होगा। और जब ये जल्दी समाप्त होगा, जैसे ये हमने आपको बताया था जीरका है, पानीपत है, सोनीपत है, लाडवा है, ये टमाटर जब समाप्त होगा तो फिर आने वाले समय पर टमाटर के जो भाव हैं वो लगभग 1000 रुपये के रेट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें वर्षा, तो मानसून की जो स्थिति है उसके आधार पर भी रेट टमाटर के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो उस पर स्थिति ये बनती है दोस्तों, देखो कि यदि टमाटर जो है बारिश यदि हो जाती है आने वाले 8 दिनों के अंदर में, यदि बारिश हो जाती है तो क्या होता है, जो पुराने टमाटर है कौन से वाले, लाडवा, अमरोहा, झिरका, बारिश यदि हो जाती है तो जैसे लाडवा है, पानीपत है, सोनीपत है, झिरका है, ये टमाटर क्या होता है ये जल्दी समाप्त होगा। अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट की समस्या इसमें आती है। तो जो बारिश का पानी होता है, शुरुआती बारिश का जो पानी होता है, पुरानी फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, तो ये फसल को वह नुकसान करेगा। लेकिन अमरोहा जो कि अभी नया टमाटर चालू हुआ है, साउथ में जो नया टमाटर चालू हुआ है, महाराष्ट्र में जो नया टमाटर चालू होने वाला है, MP छत्तीसगढ़ में उतना टमाटर नहीं है नया, लेकिन ये दो जगहों पर और एक अमरोहा पर जो नया टमाटर है, ठीक है, इनकी जो स्थिति है वो अच्छी बनेगी। अच्छी बनने से मतलब क्या है कि फसल की क्वालिटी जो है बढ़ेगी। क्या होता है कि अभी तापमान ज़्यादा है तो ये जो नया टमाटर है ये चल नहीं पा रहा है, इसमें फ्लावर सेट नहीं हो पा रहे हैं, फ्लावर उतने नहीं आ पा रहे हैं और फल भी जो है बढ़िया साइज नहीं ले पा रहे हैं और क्वालिटी बढ़िया नहीं आ पा रही है। इसलिए जो है ये इन टमाटरों का ना भाव मिल पा रहा है और ना ही ये ज़्यादा हार्वेस्टिंग इसकी निकल पा रही है। अमरोहा भी जो है वो उतना अच्छा टमाटर नहीं निकाल पा रहा है जितना उसे निकालना चाहिए, उसकी हार्वेस्टिंग उतनी नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, जो टमाटर अच्छा रहेगा, जो टमाटर स्वस्थ रहेगा, वह जो टमाटर है जब बारिश होगी मानसूनी तो वह जो है और अच्छा चलेगा। ठीक है, लेकिन वही जो टमाटर अभी की कंडीशन ऐसी है कि जो अंतिम चल रहा है, ठीक है, जो अंतिम टमाटर चल रहा है, तो वह जो टमाटर है वो और जल्दी समाप्त होगा बारिश आने के बाद, क्योंकि जब भी नई बारिश आती है तो जो पुरानी फसलें हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसानों से देखने को मिलता है। लेकिन जिन फसलों पर फ्लावर अभी चल रहे हैं या फ्लावर आने वाले हैं, तो वो जो टमाटर है उसके लिए वह बारिश जो है वो फ़ायदा करती है। तो ये दो स्थितियाँ हैं, किसी के लिए बारिश जो है वो फ़ायदेमंद रहेगी तो किसी के लिए वह नुकसानदायक रहेगी। अभी नए टमाटर के लिए तापमान जो है वो नुकसानदायक हो रहा है। अभी साउथ और नासिक की अगर हम बात करें तो काफ़ी जगहों पर टमाटर की जो फसल है वह खराब हो रही है ज़्यादा तापमान के कारण। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो जो नए टमाटर हैं जो अभी मान लीजिए अप्रैल में लगे हुए हैं, मार्च में लगे हुए हैं, वह जो टमाटर हैं वो अच्छे से चलने लगेंगे, लेकिन जो पुराने टमाटर लगे थे वह समाप्त हो जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियाँ हैं। अब आगे आने वाले समय पर मानसून की क्या स्थिति रहती है 15 दिनों पर, उसके आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। लेकिन अभी की कंडीशन हमें उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों पर लगभग 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के रेट के टमाटर होने के चांस अभी बन रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो को कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके एरिया पर टमाटर के भाव अभी क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।